मूवी का स्टार्ट एक छोटी बच्ची एलिस से होता है, जिसे बहुत ही वियर्ड और स्केरी ड्रीम्स आते हैं, लेकिन उसके फादर उसे हमेशा काम डाउन होने में हेल्प करते हैं। सीन्स 1871 में लंदन में शिफ्ट होते हैं, जहां एलिस 19 इयर्स की हो चुकी होती है, मगर वो अपने फादर को भी खो चुकी होती है। एलिस अपनी मदर के साथ लॉर्ड एस्कॉट के इस्टेट एक गार्डन पार्टी के लिए जाती है। वहाँ उसे पता चलता है कि लॉर्ड एस्कॉट का सन हेमिश उसे सबके सामने शादी के लिए प्रपोज करने वाला है, मगर एलिस को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। तभी अचानक एलिस को हेमिश की मदर से बात करते हुए अपने ड्रीम्स में आने वाला रैबिट रियल में नजर आता है। पहले तो एलिस को यकीन नहीं आता है, क्योंकि अचानक वो रैबिट गायब हो जाता है, लेकिन जब हेमिश उसे सबके सामने प्रपोज करता है तो एलिस उसके प्रपोजर को मना करते हुए रैबिट को फॉलो करती है, जिसके बाद एक ट्री के पास रैबिट होल के अंदर गिर जाता है। बहुत नीचे जाने के बाद एलिस एक रूम में जा पहुंचती है। वहां उसे एक की मिलती है, जिससे वो वहां के सब डोर्स खोलने की ट्राई करती है, मगर कोई भी डोर ओपन नहीं होता है। तभी उसे एक कर्टन के पीछे से छोटा सा डोर मिलता है, जो उस की से ओपन हो जाता है, पर एक मसला खत्म होता है तो दूसरा आ जाता है। एलिस उस डोर के छोटे होने की वजह से उससे गुजर नहीं पाती है। रूम को एक्सप्लोर करते हुए एलिस को वहाँ एक बॉटल मिलती है, जिस पे ड्रिंक मी यानी मुझे पियो लिखा होता है। उसे पी के एलिस की हाइट कम हो जाती है, मगर की टेबल पे रह जाती है और उस तक पहुँचना मुश्किल हो रहा होता है। तभी उसे टेबल के नीचे एक केक का पीस मिलता है, जिस पे ईट मी यानी मुझे खाओ लिखा होता है। उसे खा के एलिस बड़ी हो जाती है, की पकड़ती है और बॉटल से लिक्विड पी के फाइनली उस डोर को पास कर लेती है, जिसके बाद वो वंडरलैंड नामी मैजिकल प्लेस के फॉरेस्ट में जा पहुंचती है, जहां वो एक व्हाइट रैबिट, डोरमाउस, डोडो, टॉकिंग फ्लावर्स और आइडेंटिकल ट्विन्स ट्वीडल डी एंड ट्वीडल डम से मिलती है। ऐसा शो हो रहा होता है कि वो सब एलिस को पहले से ही जानते हैं। वो सब ये बहस करते हैं कि वो राइट एलिस है या रॉन्ग एलिस है। उसे एब्सुलम ब्लू कैटर पिलर के पास लेकर जाते हैं, जो अपना ओरैकुलम खोल के उनके सामने रख देता है। ओरैकुलम एक कैलेंडर की तरह का स्क्रॉल है, जिसमें वंडरलैंड की हिस्ट्री और फ्यूचर शो होता है। ओरैकुलम के अकॉर्डिंग एलिस फ्रैप्चर्स डे पर रेड क्वीन के जेबरवॉकी को हराकर व्हाइट क्वीन को उसका थ्रोन वापस दिलवाएगी। एलिस डर जाती है, पर उसे लगता है कि ये सब उसका ड्रीम है। तभी अचानक उन लोगों पे रेवेनस बीस्ट, बैंडरस्नैच और रेड नाइट्स की आर्मी अटैक कर देती है। उस आर्मी को नेव ऑफ हार्ट्स लीड कर रहा होता है, जो रेड क्वीन का जनरल और लवर होता है। सब डर के भागना शुरू हो जाते हैं। डोडो को क्वीन की आर्मी हॉस्टेज बना लेती है। बैंडरस्नैच एलिस को अटैक करने ही वाला होता है कि डॉर्माउस उसकी आंख पे अटैक करके निकाल देता है, जिसका फायदा उठा के एलिस ट्विंस के साथ वुड्स में निकल जाती है। यहाँ नेव को एब्सुलम का ओरैकुलम मिल जाता है, जो वो लेके फौरन क्वीन के पास भागता है। रेड क्वीन के जब जब बर्ड ट्विंस को भी उठा के ले जाते हैं और एलिस बिचारी इस अजीब से वर्ल्ड में अकेली रह जाती है। रेड क्वीन बहुत ही क्रूल और वियर्ड होती है, जो ह्यूमंस एनिमल्स किसी पे भी तर्स नहीं खाती है। नेव ओरैकुलम लेके रेड क्वीन के पास पहुंच जाता है, जो फौरन एलिस को ढूंढ के उसे मारने के ऑर्डर्स दे देती है। नेव ब्लड हाउंड को एलिस के सेंट को फॉलो करते हुए उसे ढूंढने को कहता है। ये करने के लिए वो उसे लालच देता है कि वो उसकी वाइफ और बच्चों को फ्री करवा देगा। एलिस टलजी वुड्स में एंटर करती है, जहां वो चेशायर कैट से मिलती है, जो इनविजिबल होने की एबिलिटी रखती है। कैट एलिस को मैड हैटर, मार्च हेयर और डॉर्माउस की टी पार्टी में ले जाती है। नेव ब्लड हाउंड की मदद से वहाँ पहुँच जाता है। हैटर एलिस को छोटा करके टी पॉट में छुपा देता है और ब्लड हाउंड को अपनी मदद के लिए कन्विंस कर लेता है। नेव के वहाँ से जाने के बाद हैटर एलिस को छोटा ड्रेस बना के देता है और अपने साथ विलेज में ले जाता है। हैटर उसे बताता है कि उसने ये रिबेलियन तब ज्वाइन किया था जब रेड क्वीन ने उसका सारा विलेज जला दिया था और सब लोगों को मार दिया था। हैटर मजीद बताता है कि रेड क्वीन के जेबरवॉकी को बस वॉर्बल स्वॉर्ड से ही मारा जा सकता है। रेड क्वीन ने उस स्वॉर्ड को भी कैप्चर करके अपने पास छुपाया हुआ है। एलिस कह
कहती है कि वो कोई स्लेव नहीं है, जिस पर हैटर कहता है कि उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वो उन लोगों की आखिरी उम्मीद है। मेव उन लोगों को फॉलो करता वहाँ भी आ जाता है, जिस पर हैटर एलिस को अपनी हैट पे बिठा के रिवर की दूसरी साइड पर भेज देता है और खुद सोल्जर्स के हाथ लग जाता है। एलिस रात उसी हैट के नीचे गुजारती है। सुबह ब्लड हाउंड वहाँ आता है, जिससे एलिस कन्विंस कर लेती है कि वो उसे रेड क्वीन के कैसल ले जाए ताकि वो हैटर को उनसे बचा सके। कैसल के अंदर जाने के लिए एलिस एक पॉन्ड के ऊपर से गुजरती है, जिसमें रेड क्वीन ने लोगों की डेड बॉडीज फेंकी होती हैं। एलिस उनके मुंह के ऊपर से होती हुई एक होल तक पहुंचती है और उससे कैसल के अंदर चली जाती है। रेड क्वीन के कैसल पहुंच के एलिस को वहाँ हेयर मिलता है, जो उसे केक देता है। एलिस वो खा के बहुत बड़ी हो जाती है और क्वीन के नोटिस में आ जाती है। रेड क्वीन, जो एलिस की रियल आइडेंटिटी नहीं जानती है, एलिस उसे अपने आप को बताते हुए कहती है कि उसे बताया गया था कि इस कैसल में बड़े लोगों को वेलकम किया जाता है, इसलिए वो यहाँ आ गई है। रेड क्वीन उसे अपना गेस्ट बना लेती है। रेड क्वीन ट्विंस को वहाँ बुला के उन दोनों को एंटरटेन करने को बोलती है, जो एलिस को पहचान लेते हैं, मगर एलिस इशारों में उन्हें चुप रहने को बोलती है। नेव वहाँ आता है तो क्वीन उसे हैटर को बुलाने को कहती है। हैटर के आने पर रेड क्वीन उसका सर कटवाने का हुक्म देती है, लेकिन हैटर उसे मैनिपुलेट कर लेता है कि वो उसके लिए बहुत ब्यूटीफुल हैट्स बना सकता है, जिस पर क्वीन उसकी बातों में आकर उसे मारने के बजाय हैट्स बनाने पे लगा देती है। यहाँ ब्लड हाउंड व्हाइट क्वीन के पास एलिस के आने का मैसेज लेके जाता है, जिस पर व्हाइट क्वीन बहुत होपफुल हो जाती है और ब्लड हाउंड को कहती है कि एलिस जो कर रही है उसे करने दो, उन्हें अपने स्लेयर पे यकीन रखने की जरूरत है। सीन्स रेड क्वीन पे शिफ्ट होते हैं, जो एलिस के वंडरलैंड में आने की वजह से बहुत परेशान होती है। वो मेव से कहती है कि उन्हें एलिस को मारना होगा, वरना वो अपना क्राउन खो देगी। यहाँ हम पे रिवील होता है कि पॉन्ड में जिन लोगों की डेड बॉडीज हैं, वो और कोई नहीं बल्कि इन क्वींस के पेरेंट्स हैं। रेड क्वीन और व्हाइट क्वीन सिस्टर्स हैं, लेकिन सबने हमेशा छोटी होने के बाद भी व्हाइट क्वीन को ही प्रेफर किया है, जिस वजह से रेड क्वीन इतनी क्रूल और डेंजरस हो गई है कि रेड क्वीन कुछ भी हो जाए थ्रोन को नहीं खोना चाहती है, क्योंकि उसे लगता है कि उस पे बस उसका ही हक है। इसी दौरान में हेयर वहाँ से ओरेकलम उठा के ले जाता है। हैटर से मिलने पर वो एलिस को बताता है कि हेयर ओरेकलम लेके उसका वेट कर रहा है, उसे वो लेकर सीधा व्हाइट क्वीन के पास जाना है। एलिस ट्विंस की मदद से हेयर तक पहुँचती है, जो उसे बताता है कि वो जानता है कि वॉर्पल स्वॉर्ड कहाँ है। हेयर एलिस को उस हट तक ले जाता है जहाँ वॉर्पल स्वॉर्ड है, मगर वहाँ पहुँचने पर वो देखते हैं कि स्वॉर्ड की प्रोटेक्शन बेंडर स्नैच कर रहा है। ये देखकर एलिस पहले तो डर जाती है, मगर फिर उससे एक आइडिया आता है। एलिस फौरन भागते हुए डोरमाउस के पास जाती है, उससे वो बेंडर स्नैच की आई लेके वापस हट के पास जा रही होती है कि उसे नेव रोक लेता है, जो एलिस को हरास करने की कोशिश करता है, मगर एलिस उसे पुश करती वहाँ से निकल जाती है। नेव को ये करते क्वीन की एक सर्वेंट देख लेती है। एलिस आई लिए बैंडर स्नैच के पास पहुँचती है, उसे उसकी आई दे के एलिस उसके साथ दोस्ती कर लेती है, जिसके बाद स्वॉर्ड लेने जाती है तो देखती है कि वो एक चेस्ट में लॉक्ड है, जिसकी की बैंडर स्नैच के गले में है। बैंडर स्नैच उस पे अटैक करने आता है तो एलिस उसे अपना वुंड दिखाती है, जो बैंडर स्नैच ने उससे पहले दिया था। बैंडर स्नैच पूरा फील करते हुए एलिस को प्यार करता है और की भी लेने देता है। एलिस स्वॉर्ड लेके हैटर के पास पहुंचती है। यहाँ क्वीन को नेव की हरकत का पता चल जाता है, जिस पर वो नेव को कन्फ्रंट करती है। नेव सारा इल्जाम एलिस पे डाल देता है। इस सुन के क्वीन एलिस को मारने की ऑर्डर्स देती है। नेव जब सोल्जर्स लेके एलिस के पास पहुंचता है तो उसे पता चल जाता है कि वो ही असली एलिस है, जो व्हाइट क्वीन की स्लेयर बन के रेड क्वीन को हराएगी। नेव एलिस पे अटैक करने ही लगता है तो हैटर और डोरमाउस उसे कवर करते हुए वहाँ से जाने को कहते हैं, मगर नेव सबको अलर्ट कर देता है। सोल्जर्स एलिस को चारों तरफ से घेर लेते हैं, बचने का कोई रास्ता बाकी नहीं होता है। तभी एंट्री होती है बैंडर स्नैच की, जो सबको मार कर गिरा देता है और एलिस को कैसल तक ले जाता है। आगे उन्हें ब्लड हाउंड मिलता है, जो उन्हें व्हाइट क्वीन के कैसल तक ले जाता है। वहाँ पहुँच के एलिस व्हाइट क्वीन को उसकी स्वॉर्ड
देती है। व्हाइट क्वीन एलिस को ड्रिंक दे के वापस उसके साइज में लाती है, जिसके बाद एलिस एब्सोलम से मिलती है, जो एलिस को कहता है कि वही राइट एलिस है जो फ्रैबजस डे पे स्लेयर बन के वंडरलैंड को उसकी राइट क्वीन दे देगी। सीन्स हैटर पे शिफ्ट होते हैं, जिसकी मदद के लिए कैट वहाँ पहुँच जाती है। नेक्स्ट डे जब रेड क्वीन हैटर का सर कटवाने वाली होती है, तभी अचानक हैटर गायब हो जाता है और उन लोगों पे रिवील होता है कि वो हैटर नहीं बल्कि कैट थी। रेड क्वीन गुस्सा होकर जब जब बर्ड को रिलीज कर देती है। हैटर, ट्विंस, डोरमाउस, कैट और ब्लड हाउंड की फैमिली उन सब से बचते हुए रेड क्वीन के कैद से आजाद होके व्हाइट क्वीन के कैसल पहुंच जाती है। हैटर एलिस को यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि ये उसका ड्रीम नहीं है बल्कि रियलिटी है, लेकिन एलिस अभी भी डिनायल में होती है। फ्रेजस डे में सिर्फ एक दिन बाकी होता है। सब लोग चाहते हैं कि एलिस उनकी स्लेयर बन के रेड क्वीन के जैबरवॉकी को फाइट करे। व्हाइट क्वीन एलिस को कहती है कि वो सोच समझ के ये फैसला करे, क्योंकि इसमें उसकी जान भी जा सकती है और एक बार रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद वो पीछे हट नहीं सकती है। एलिस डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। एलिस जाके एब्सोलम से मिलती है, जो अपना कैटरपिलर का टाइम पूरा होने पर ट्रांसफॉर्म होने वाला होता है। एब्सोलम एलिस को याद करवाता है कि जो वो बचपन से देख रही थी वो उसका ड्रीम नहीं था बल्कि रियलिटी थी। एलिस बचपन में भी वंडरलैंड आ चुकी है, इसलिए सब उसे जानते हैं और उसका वेट कर रहे थे। जब एलिस यहाँ से अपने वर्ल्ड में गई तो वो सब एक मेमोरी बन गई थी, जो एक ड्रीम की तरह रिफ्रेश होती रही थी। दोनों आर्मीज फ्रैबजस डे पे फाइट के लिए तैयार होके निकल रही होती है। व्हाइट क्वीन और उसकी आर्मी को लगता है कि उन्हें अपने स्लेयर के बगैर ही वहाँ जाना होगा। तभी एलिस बैंडरस्नैच पे बैठी सूट ऑफ आर्मर में वॉर्पल स्वॉर्ड के साथ फाइट के लिए वहाँ पहुँच जाती है। दोनों आर्मीज चेस बोर्ड की तरह की बैटल फील्ड पे पहुँचते हैं, जहाँ व्हाइट क्वीन रेड क्वीन को समझाने की कोशिश करती है कि फाइट नहीं करनी चाहिए है, लेकिन रेड क्वीन कुछ भी सुने बगैर अपने जैबरवॉकी को फाइट के लिए फील्ड पे ले आती है। हैटर एलिस को इम्पॉसिबल पे बिलीव करते हुए फाइट करने को कहता है। एलिस अपने फादर की एडवाइस को फॉलो करते हुए हर इम्पॉसिबल चीजों की लिस्ट को याद करते हुए फाइट स्टार्ट कर देती है। एलिस जैबरवॉकी की टंग कट कर देती है, जिस पर वो गुस्से में आ जाता है। दोनों के बीच एक टफ फाइट स्टार्ट हो जाती है। जैबरवॉकी एलिस पे अटैक करने ही वाला होता है, ये देखकर हैटर उसे डिस्ट्रैक्ट कर देता है और एलिस टावर पे चढ़ना शुरू हो जाती है। रेड क्वीन हैटर के इन्वॉल्वमेंट पे अपने सोल्जर को अटैक के लिए भेज देती है, जिस पर सबके बीच फाइट शुरू हो जाती है। एलिस जैबरवॉकी से बचती उससे डिस्ट्रैक्ट करती टावर की टॉप पे चली जाती है। जब जैबरवॉकी उस पे अटैक करने पहुंचता है तो एलिस स्वॉर्ड से गला काट के बॉडी से अलग कर देती है। जब जैबरवॉकी का गला फील्ड पे आकर गिरता है तो वॉर वहीं रुक जाती है। सब रेड क्वीन के ऑर्डर्स मानने से मना कर देते हैं और व्हाइट क्वीन की तरफ हो जाते हैं। व्हाइट क्वीन रेड क्वीन को मारने के बजाय उससे हमेशा के लिए अकेले रहने की सजा सुनाती है। किंगडम का कोई भी इंसान उससे कभी भी बात नहीं करेगा। रेड क्वीन की इस पनिशमेंट में नेव को उसके साथ हैंडकफ करके पार्टनर बना दिया जाता है, जिसके बाद व्हाइट क्वीन एलिस को जैबरवॉकी का ब्लड देती है, जिसे पी के वो अपने वर्ल्ड में वापस आ जाती है। यहाँ एलिस हेमिश को शादी से मना करके उसके फादर के साथ बिजनेस डिस्कस करने चली जाती है। एलिस लॉर्ड एस्कॉट को अपने हांगकांग के साथ ट्रेडिंग आइडिया से इम्प्रेस कर देती है। लास्ट सीन्स में वो एक ट्रेडिंग शिप के साथ जा रही होती है, जब एक ब्यूटीफुल ब्लू बटरफ्लाई उसके शोल्डर पे आकर बैठ जाती है। एलिस को रियलाइज होता है कि वो एब्सोलम है, जो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट कर चुका है। एलिस उसे स्माइल देती है और वहीं मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी से हमें लेसन मिलता है कि हमेशा वर्ल्ड को सेव करने के लिए एक हीरो की जरूरत नहीं होती है। अगर एक लड़की अपने ऊपर यकीन रखे और उसकी स्ट्रांग विल पावर हो, तो बगैर किसी हीरो की मदद के खुद, अपने और अपनी फैमिली के लिए एक हीरो बन सकती है।